तो ये क्वेश्चन स्कॉलर रोजरी क्लास 9 की वर्कशीट में है। द साइड बी ए एंड डी सी आर प्रोड्यूस एज शोन इन दिस फिगर। प्रूव दैट ए प्लस बी इज एक्स प्लस वाई। तो ए इन्होंने इस एंगल को मार्क किया और बी इस एंगल को मार्क किया, वाई इसको, एक्स इसको। तो बेटा अगर इसको प्रोड्यूस किया, ये बाहर वाला एंगल बी है तो अंदर वाला एंगल क्या होगा बोलो? 180 माइनस बी। रीजन क्या है, क्या हो गए? लीनियर पे। ठीक है, कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। और इस एंगल को क्या लिख क्या हो गए बताओ? 180 माइनस ए। आपके स्कूल वालों ने डायग्राम तो दे दिया, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बीडी को ज्वाइन कर रखा है, तो सही है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जानबूझ के भी कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें कर देते हैं। अब आपको पता है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 360। इंटीरियर एंगल्स का सम 360। तो एक एंगल उसमें से वाई है, एक एक्स है, एक 180 माइनस ए है, एक 180 माइनस बी है। तो कहने का मतलब एक एक्स है, एक वाई है और एक एंगल क्या है? 180 माइनस ए है और एक एंगल 180 माइनस बी है। 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? और इन सब का सम क्या है? 360। आप देख रहे हैं 180 प्लस 180 360 हुआ, प्लस का और इक्वल टू उधर भी 360 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स प्लस वाई माइनस ए उधर जाके प्लस का, माइनस बी उधर जाके प्लस का, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी के इक्वल प्रूव हो गया। बस इतना सही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।